क्योंकि इतने सालों में मैंने एक चीज़ तो ये सीखी, अगर डेडलिफ्ट को आप गलत तरीके से लगाते हैं तो बहुत खतरनाक भी इंजरीज होती हैं। अगर आप अच्छे तरीके से सही फॉर्म के साथ लगाते हैं तो इसके बहुत ज़बरदस्त आपको बेनिफिट्स देखने को ज़रूर मिलते हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे चैनल पे। तो इस चैनल पे हम लोग बात करते हैं कि कैसे आप लोग अपनी हेल्थ परफॉर्मेंस एंड फिटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो अगर आप लोग उसमें इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरे हर लेटेस्ट वीडियो की अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि डेडलिफ्ट कैसे की जा सकती है, जो कि वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है। अगर आपको मसल मास गेन करना है और फुल बॉडी स्ट्रेंथ गेन करनी है तो डेडलिफ्ट एक वन ऑफ द बेस्ट एक्सरसाइज है जो आपके वर्कआउट प्रोग्राम में जरूर होनी चाहिए। डेडलिफ्ट को अपने वर्कआउट प्रोग्राम में इंक्लूड करने के काफी फायदे हैं। एक तो यार वो बहुत ही ज्यादा मसल्स को टारगेट करती है, हमारी अपर बैक, लोअर बैक, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग्स, तो और फुल बॉडी स्ट्रेंथ भी डेवलप करती हैं क्योंकि इसमें हमारी पूरी बॉडी एज अ सिंगल यूनिट काम करती है और काफी ज्यादा मसल्स इसमें टारगेट होती हैं। और सबसे अच्छी बात इसकी ये तो हमारी किसी ना किसी डेली लाइफ की एक्टिविटी में हेल्प कर देती है, जैसे कि फ्लोर से कुछ हैवी वेट उठाना तो हम डेडलिफ्ट की तरह उसे उठा सकते हैं ताकि हैवी वेट उठाते हुए हमारी स्पाइन में कोई इंजरी ना हो जाए। तो डेडलिफ्ट वहाँ भी हमारी काफी हेल्प कर देती है डेली लाइफ को कुछ सामान उठाने में। तो अब चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में मैं कन्वेंशनल डेडलिफ्ट की बात करने वाला हूँ, सुमो की नहीं। सुमो डेडलिफ्ट किसी और वीडियो में बात करूँगा। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है हमारी फुट पोजीशन, फुट प्लेसमेंट, कि हमारे पैर हमें कितने खोलने हैं और कहाँ रखने हैं। तो जो हमारी फुट विड्थ होगी वो शोल्डर विड्थ जितनी होगी, यानी हमें अपने पैर उतने खोलने हैं जितनी हमारी शोल्डर की चौड़ाई है। तो हम कन्वेंशनल डेडलिफ्ट में हम इतने अपनी लेग्स को वाइड ओपन करते हैं शोल्डर विड्थ जितना। और जो बार प्लेसमेंट होता है वो हमारे मिड फुट पे होता है, यानी अगर आप ऊपर से देखेंगे तो आपका बार कुछ इस तरीके का दिखना चाहिए। जो मिड फुट होता है उसके ऊपर आपका बारबेल होना चाहिए। और अगली चीज़ आती है कि हमें बार को होल्ड कैसे करना है। आप हल्का सा अपनी नीज को फोल्ड करेंगे और बार को ग्रैब करेंगे। इस टाइम पे आपको ये ध्यान नहीं देना कि आपकी बैक राउंड हो रही है, स्ट्रेट हो रही है, वो मैं आप लोगों को बताऊंगा। जब आप ग्रिप कर लें तो ग्रिप हमारी यहाँ दो होती हैं, एक होती है मिक्स्ड ग्रिप और एक होती है प्रोनेटेड ग्रिप। तो मैं तो वैसे प्रोनेटेड ग्रिप प्रेफर करता हूँ, आप मिक्स्ड ग्रिप भी कर सकते हैं। और इस बात का ख्याल रखें अगर आप मिक्स्ड ग्रिप में डेडलिफ्ट करते हैं तो ग्रिप्स को चेंज ज़रूर करें ताकि इन फ्यूचर कोई मसल इम्बैलेंस ना हो। ऐसा ना हो कि आपकी एक साइड की मसल थोड़ी वीक रह जाए और एक तरफ की स्ट्रॉन्ग। आप बारबेल को ग्रिप करेंगे तो अपनी चेस्ट को ऊपर पुश करेंगे। नॉर्मली हम अपनी चेस्ट को ऊपर करते हैं शोल्डर को रिट्रैक्ट करके, हम उसी पोजीशन में वैसे ही अपनी चेस्ट को ऊपर लाएंगे, थोड़ा उसे अपनी चेस्ट को थोड़ा आउटवर्ड और अपवर्ड पुश करेंगे अपने शोल्डर्स को रिट्रैक्ट करके। इससे जो हमारी स्पाइन है, जो हमारी बैक है, वो स्ट्रेट रहेगी। और जब हम इस पोजीशन में आ जाएं तो उसके बाद हमें ख्याल रखना अपनी नेक का, जो हमारी नेक होनी चाहिए। अपनी नेक को हाइपर एक्सटेंड भी करके नहीं रखना, यानी ज़्यादा ऊपर उठा के नहीं रखना, ना ही ज़्यादा नीचे झुका के, यानी फ्लेक्शन में भी नहीं रखना। हमें एक न्यूट्रल पोजीशन में रखना है। हमारी जो नेक है, हमारे जो हिप्स और जो हमारी बैक है, वो एक स्ट्रेट लाइन में होनी चाहिए। तो इस पोजीशन में आने के बाद हम बारबेल को टाइटली पकड़ेंगे एंड देन हमें वेट को ऊपर नहीं पुल करना। आप ये सोचिए कि आपको ग्राउंड को अपने पैरों से पुश करना है, धक्का देना है। और ऐसे डेडलिफ्ट की जाती है, मेक श्योर कि आपकी जो बैकबोन है वो ज़्यादा वो फ्लेक्स या ओवर हाइपर एक्सटेंड ना हो, यानी आप ज़्यादा पीछे भी अपनी बैक को ना ले जाएं और ज़्यादा कर्व भी ना रखें, उसे राउंडेड ना रखें। जब आप अपना मैक्सिमम वेट लिफ्ट कर रहे होते हैं 1 रैप मैक्स के आसपास, तब आपकी बैक में हल्का सा फ्लेक्शन होता है जो चलता है, बट आपका हमेशा पूरा ये ट्राई होना चाहिए कि आपकी न्यूट्रल स्पाइन रहे, आपकी बैक स्ट्रेट रहे। जब हम बारबेल पूरा ऊपर ले आते हैं, डेडलिफ्ट लॉक कर लेते हैं, देन उसके बाद तो नीचे आते हुए आपको अपने हिप्स को हिंज करना है और धीरे धीरे बारबेल को नीचे लाना है। ऐसे हमारी होती है डेडलिफ्ट। देन हम अगले रैप के लिए दोबारा से यही परफॉर्म करेंगे। बात करता हूं कि जब आप डेडलिफ्ट सीखे तो आपको कितना वेट लगाना चाहिए बारबेल पे। आप उतना वेट लगाएं जितने में आप 10 से 15 रेप्स कर लें। रीजन इसका यह है कि आप जब मूवमेंट पैटर्न बार बार सीखेंगे ज्यादा रेप्स के लिए तो आप जल्दी सीखेंगे और बेहतर तरीके से मूवमेंट को परफॉर्म करना सीखेंगे। क्योंकि इतने सालों में मैंने एक चीज तो ये सीखी, अगर डेडलिफ्ट को आप गलत तरीके से लगाते हैं तो बहुत खतरनाक भी इंजरीज होती हैं। अगर आप अच्छे तरीके से सही फॉर्म के साथ लगाते हैं तो इसके बहुत ज़बरदस्त आपको बेनिफिट्स देखने को जरूर मिल रही। बात करूँ ब्रीदिंग की, आपको एक्सरसाइज में ब्रीदिंग कैसे करनी है, तो अगर आप अपना 1 to 4 रैप मैक्स या 5 रैप मैक्स तक अगर आप वेट लिफ्ट कर रहे हैं तो आपको वल्सलवा मैन्यूवर का यूज़ करना चाहिए। ब्रीदिंग टेक्निक के ऊपर मैं ऑलरेडी एक पूरा वीडियो निकाल चुका हूँ, मैं चाहूँगा आप वो वीडियो ज़रूर देखें। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा।
अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा, और मैं मिलता हूँ आप लोगों से अपने अगले वीडियो में।